आपको बताया था, आज्ञा समझो या रिक्वेस्ट समझो कि आप लोग संसार में सर्वत्र नियम का पालन करते हैं, अपने अपने घर से आप लोग किसी वाहन से आए होंगे, ट्रेन से आए होंगे, बस से आए होंगे, जहाज से, तो जो टाइम था ट्रेन का, बस का, जहाज का, उससे 10 मिनट पहले पहुंचे थे। स्कूल में पढ़ने जाते थे वहां भी टाइम से पहुंचे थे। और ये भगवान के निमित्त घर छोड़ कर, त्याग करके साधना करने आए हैं कुछ दिन को, राधे श्यामी ओढ़ के भक्तों में नाम लिखा रहे हैं, और जब मन में आया तब आए, नहीं तो जाकर कमरे में सो रहे हैं, गप्पे कर रहे हैं। तो क्या अपराध कमाने आते हैं और बदनाम करने आते हैं मास्टर को? अब मैं क्या करूं, लठिया लेके मारूं तुम लोगों को? मैंने तो अपने पूरे जीवन में किसी को एक थप्पड़ भी नहीं मारा। मेरा काम तो केवल उपदेश देने का है आपके कल्याण के लिए। आप लोग कम आएंगे या पूरे आएंगे टाइम पर, इससे हमको भगवत प्राप्ति तो नहीं होनी है। आप ही का कल्याण है, उसी के लिए मैं बार बार निवेदन करता हूं। अगर मैं न निवेदन करूं या न दंड विधान करूं तो भी तो मेरे ऊपर प्रश्न होगा कि आप टीचर हैं, स्कूल के टीचर भी दंड देते हैं बच्चों को, टाइम पर फीस नहीं दिया, टाइम पर हाजिर नहीं हुए, तो मैं तो इतने ही दंड दे सकता हूं कि अगर कोई टाइम से 10 मिनट और लेट तक ना आवे तो चारों ओर से बंद कर दो। वो चाहे बाहर बैठा रहे, चाहे अपने कमरे में जाके सो जाए, और चाहे अपने घर लौट जाए, और क्या कर सकते हैं? अगर उसका खाना पीना बंद कर दें तो भी बदनामी होगी। सोचिए आप लोग, फील कीजिए, अपनी गलती मानिए। अगर आप कमजोर हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, तो मैंने यह भी कहा था कि क्लास टीचर को बता दो कि मैं नहीं आ सकूंगा। अरे छुट्टी लेते थे स्कूल से, कोई विशेष बात हो जाए तो घर में। अगर कहो मेरा गला थक गया था तो मत कीर्तन करो, बैठकर ध्यान करो, लेकिन मन के गुलाम हो जाओगे तो उसी मन से तो आपको भगवत प्राप्ति करना है। वो तो अनादिकाल का दुश्मन है ही है, वो तो कहेगा ही चलो जी सो जाओ, बड़ा आनंद है सोने में। ये तो कहते हैं रूप ध्यान करो, आंसू बहाओ। तो अगर आप लोग का मन और आप
मन के अनुसार ही चलना चाहते हैं तो अपराध करने के बजाय ये अच्छा है कि आराम से अपना बिस्तर बांधो और घर चले जाओ और निश्चय कर लो कि भगवान की साइड में हमको चलना ही नहीं है, हमको तो मन के अनुसार चलना है क्योंकि सुख मिलता है मन के अनुसार चलने में। ये जो मानसिक सुख है ये इतना बड़ा दुश्मन है, अनंत जन्म बर्बाद कर दिए इसने। मन कर रहा है ऐसा करो, मन कर रहा है ऐसा करो, और बड़े अच्छे ढंग से आप लोग निरूपण करते हैं। हम तो भाई एक सिद्धांत रखते हैं, सुनो सब की करो मन की, ये आप लोग बोल सकते हैं। संत महात्मा साहब जो कहे सुनो, प्रणाम कर लो, हाथ से दंडवत कर लो, लेकिन करो मन से, जैसा मन कहे वैसा करो। जब पहली बार आप लोग स्कूल गए थे, माँ ने बहुत प्यार से समझाया था, जाओ बेटा स्कूल, ऐसे किया था आपने। वो माँ की गोद में 4 साल खेले हैं, अब ये स्कूल में जाए, वहां बैठे टीचर के डंडे के डर के मारे, ऐसा मन नहीं चाहता। नहीं मम्मी मैंने, अरे तो नहीं पढ़ेगा तो घास खोदेगा, हाँ खोद लूंगा कहता है, घास खोद लूंगा, पढ़ने नहीं जाऊंगा। तब फिर दंड देती है, खाना बंद कर देगी, बोलेगी नहीं, और कुछ तो झापड़ भी लगा देती है, ये उसके कल्याण के लिए। लेकिन मैं तो केवल निवेदन कर सकता हूं, आप लोग मान ले तो बहुत बहुत धन्यवाद।